नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं तेजस्वी यादव की, जो कि जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं और जिस तरीके का जन समर्थन उनको मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की वो आने वाले दिनों में मुश्किल तो करेंगे ही, बल्कि राजनीतिक रूप से भी नीतीश कुमार को वो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। आज उनका उनकी जो मुजफ्फरपुर में जो रैली थी आज, उसमें आप देखिए कि किस तरीके का जन सैलाब देखा। आप देखिए, आज उनके सिर पर एक पगड़ी बंधी हुई है और उस पगड़ी को बांध कर ये देखिए, उन्होंने एक हरे रंग की पगड़ी बांधी हुई है और भीड़ देखिए, पूरा जन सैलाब आपको नजर आ रहा है। तेजस्वी को सुनने के लिए लोग उतर रहे हैं। ये आपको याद दिलाएगा पिछले जो लोकसभा चुनाव थे, जिसमें कि वो रोटी और दवाई की वो बात करते थे, इसी तरीके का जन सैलाब तेजस्वी यादव की रैलीज में दिखता था और जन विश्वास यात्रा पर वो आज निकल गए हैं और उन्होंने आज कुछ बातें नीतीश कुमार के बारे में कही हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट अटैक इसमें नीतीश कुमार के ऊपर होगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि आखिर नीतीश कुमार के बारे में वो क्या कह रहे हैं, ऐसी क्या चीज वो बोल रहे हैं जो कि इस समय नीतीश कुमार के खिलाफ जा सकती है। अब उन्होंने ये कहा है कि बिहार के लोग राजद पर अपना प्यार बरसा रहे हैं, यही कारण है कि वह लंबे समय से विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी रही है। मैं उनसे आग्रह करने जा रहा हूं कि वे हमें और भी मजबूती से समर्थन दे ताकि हम उनके लिए काम आ सके। लेकिन इसके बाद जो नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने ये बात कही है इस रैली में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पास राज्य के लोगों के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है। उनके पास हमें छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में वापस जाने का कोई उचित कारण नहीं था। वो जनादेश को अपने पैर की जूती समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट उन्होंने दिया है नीतीश कुमार के बारे में कि जनादेश को वो पैर की जूती समझते हैं। अब आप ये सोचिए, अपनी स्क्रीन्स पर आप ये भीड़ देख रहे हैं, जन सैलाब देख रहे हैं, जिसके बीच में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि वो जनादेश को अपने पैरों की जूती समझते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ मौजूद तेजस्वी यादव ने कहा कि अपने माता पिता की क्षमता, माँ की ममता और पत्नी राजश्री के समर्थन से ताकत मिल रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी नीतीश कुमार बहुत ही पुराने जमाने के नेता हैं, उनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का जन समर्थन रैलीज में कम से कम दिख रहा है, वो वाकई में आने वाले दिनों में एक बड़ी मुसीबत नीतीश कुमार के लिए तो साथ में कड़ा करेगा ही, लेकिन साथ में बीजेपी को भी डैमेज कर सकती है। इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दीपक कोजगावे जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं बिहार से। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नीतीश कुमार की जन विश्वास यात्रा के बारे में सर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके का जन सैलाब दिख रहा है उनके रैलीज में, उसको देखकर क्या कहा जाए? देखिए, जो इनका मुजफ्फरपुर से ये इनकी यात्रा शुरू हुई जन विश्वास यात्रा, वो विश्वास हासिल करने के मकसद से निकले हैं, बिहार का दौरा करेंगे और आज मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, ये तीन जगहों पर उनकी जो रैलियां हुई हैं वो जबरदस्त हुई है। और तेजस्वी यादव ने उसी दिन ये मन बनाया था जब नीतीश कुमार ने कोई वजह नहीं बताया और इनके साथ गठबंधन समाप्त कर वो लौट गए बीजेपी की ओर। तो और इन्होंने जानकर बहुत ही शानदार भाषण दिया था, आपको याद होगा, विधानसभा में, और बहुत शालीन तरीके से उन्होंने खरोच दिया था और उन्होंने आदर सूचक शब्द भी इस्तेमाल किया था। ये सारी बातें रणनीति के तहत थी ताकि आम जनता, और वो भी उन्होंने भाप लिया था कि जो नौकरी वाला मामला है उसमें लोग समझ रहे हैं कि नौकरी तो 17 महीने में ही मिला है और ये तेजस्वी यादव का ही मामला बनता है। इसको लेकर आपस में दोनों में, आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने भी कहा कि नहीं मैंने किया और मेरी पार्टी ने किया, बहुत सारी बातें हुई।
मगर जब वो वोट हार गए, जिस तरह से हार गए, आप लोग ने देखा, हम लोग ने आप ही के प्रोग्राम में इस पर चर्चा भी की, वो 2020 में जिस तरह से अकेले निकल पड़े थे विधानसभा के चुनाव में। देखिए, तेजस्वी यादव को मैं मानता हूं कि वो अपने पिता से अलग लाइन पर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके परिवार पर बहुत सारे मामले लगे, बहुत बदनामियां हुई, और यहाँ तक कि ये आज अभी तक तेजस्वी यादव के शरीर के आसपास घूम रही है कि ये आज को वो दूर करना चाहते हैं। उन्होंने A to Z की बात की, उन्होंने ये कहा, मगर जब वो ये देखिए आम जनता का परसेप्शन है, देखिए नीतीश कुमार का फिर पलट जाना अवर बिहार के लोगों को अच्छा नहीं लगा है, और बहुत लोग को लगा कि भाई आखिर नीतीश कुमार इतने अच्छे मुख्यमंत्री और इतने शानदार काम करने वाले, बहुत विकास का काम हुआ, इसमें दो मत नहीं है। आज भी मैं आ रहा था, भाई जहानाबाद और गया के रास्ते बहुत डेवलपमेंट का काम चल रहा था, ये सब बात हो रही थी, मगर नीतीश कुमार पलट गए, फिर बार बार पलट गए, जुमला बन गए। इस टाइप से नीतीश कुमार से बिहार की जनता को उम्मीद नहीं थी, और इसको अब ये कैश करा रहे हैं। उन्होंने जो पगड़ी बांधी, और आपने देखा जिस तरह से हाथ को उसने घुमाया, और जो जनसैलाब था औरंगाबाद में, इन्होंने अपना नफ्स कसोर लिया था जब वो राहुल गांधी के साथ उनकी सभा में शिरकत करके उन्होंने जो भाषण दिए उन्होंने दिया था, तो अट्रैक्शन आपकी आवाज कट रही है दीपक जी। उनकी तरफ आया था, तो वो उन्होंने ये किया मुजफ्फरपुर। आपको पता है शिवहर में आज उन्होंने चेतन आनंद को क्या नहीं कह दिया, हालांकि छोटा भाई जरूर कहा, और उनके गढ़ में जाकर उनको मात दी है एक तरह से पब्लिकली, और उन्होंने कहा कि ऐसा है मेरा छोटा भाई क्या किया है, आप लोग वोट देना है ऐसे आदमी को, तो पूरी जनता नहीं की बात पर आ गई। तो देखिए तेजस्वी यादव निकल पड़े, अब वो उनको लगता है कि ये जो अब बीच में लालू यादव ने कहा कि दरवाजा खुला, दिस ऑलवेज जोक्स, वो मजाक में उन्होंने कहा, और दरवाजा खुलने की बात नहीं है, अभी तक विधायकों को अपने पाले में लाने की बात चलती रह रही है, विधानसभा में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। इसके पीछे वजह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और तेजस्वी यादव उसको कैच करेंगे, आगे क्या होगा नहीं जानते, मगर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से एक हेलीकॉप्टर पर 2020 का चुनाव जीता था, जीता क्या, बड़ी पार्टी बने थे, अगर ओवैसी उनको थोड़ा धक्का नहीं दिए होते सीमांचल में, तो हो सकता था कि वो समय ही सरकार बना लेते। तो खैर देखिए एक नौजवान है, और उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी का एज हो गया है, उन्होंने नौजवानों को ललकारा कि अब नौजवान साथ हो, और देखिए बिहार के पॉलिटिक्स में अब कुमार की बात किया दीपक जी, जो एक बात उन्होंने आज और भी कही और उसको पढ़ देते हैं कि उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने तंज कसा एक तरीके से, और कहा कि वो अपनी पार्टी जदयू की गिरावट से असहज हैं और ऐसी अफवाह है कि वह विधानसभा को जल्दी भंग करना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव होते हैं तो इससे उन्हें अपनी पार्टी की किस्मत को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। अब मैं इस स्टेटमेंट को उनके उस स्टेटमेंट से तेजस्वी के जोड़ रही हूं जहां पर उन्होंने कहा है कि वो जनादेश को अपने पैरों की जूती समझते हैं। अब अगर इस तरीके के जनसैलाब के बीच में तेजस्वी यादव जाकर और नीतीश कुमार के बारे में इस तरीके की बातें कहेंगे, भले ही वो अफवाह हो कि विधानसभा को भंग किए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नीतीश कुमार को किस हद तक डैमेज करेगा? और अगर नीतीश कुमार को डैमेज करेगा तो बीजेपी को भी तो करेगा ना साथ में। नहीं, देखिए लड़ाई तो बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच होगा, ये मैं जानता हूँ। नीतीश कुमार को डैमेज करने का जो मामला था, नीतीश कुमार ने खुद अपने आप को डैमेज किया है उसमें, अब तेजस्वी यादव ने उसको उसको आगे उठाने की कोशिश की। अगर नीतीश कुमार अगर ठीक से चल रहे होते, देखिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने डेमोक्रेसी, उन्होंने जनादेश को झूठों के रौंद दिया, उन्होंने कहा, इसलिए कहा कि एक बार आप आरजेडी के साथ चुनाव लड़के फिर एक साल रहे फिर उनको छोड़ा, एक बार आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़के रहे
तो फिर आप उनको छोड़ा। तो हम तो वोट अगर आपको दिए हैं तो हम तो ठगे रह गए ना, तो जनादेश का तो सही में अपमान हुआ। और नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री, मैं सच कह रहा हूं, मैंने बहुत करीब से मैं एडमायर रहा हूं उस मुख्यमंत्री के, कि काम करने का शैली तरीका बहुत जबरदस्त। क्या हो गया उनको एकाएक, या किसके साथ घिर गए, क्या हुआ ये मैं नहीं कह सकता, मगर तेजस्वी यादव अब निकल पड़े हैं। और देखिए आज चिराग पासवान ने भी कहा, चिराग पासवान से पूछा गया कि भाई ये तेजस्वी यादव निकले हैं, तो चिराग पासवान ने कहा हाँ, तो अच्छा, बहुत अच्छा है, जनता के बीच जाना चाहिए, संवाद करना चाहिए, इसमें क्या खराबी है। तो अब देखिए बिहार का एक लाइन उन्होंने कह दिया कि अब पहले नीतीश कुमार जात आपने ओल्ड दे हो गए। चिराग पासवान, तो नहीं नहीं एक सेकंड दीपक जी, आपने चिराग पासवान की बात की, क्या ये बात सही है कि चिराग पासवान इस समय तेजस्वी के साथ जाने के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी बातें सुनाई पड़ नहीं, रही हैं। अभी अभी नहीं, ये नहीं, देखिए तेजस्वी यादव के साथ वो भी अपने फ्लेम में है और ये भी अपने फ्लेम में है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तेजस्वी के साथ वो जाएंगे। वो उस जगह रह के 40 सीटों पर लड़ाई लड़ना चाहते, हालांकि पिछड़ गए, हालांकि उनको चर्चा ये है कि 5 उनको मिलेगा और 1 पशुपति पारस को मिलेगा, और पशुपति पारस अड़े हुए हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, और ये भी अड़े हुए हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, हालांकि इनको 5 की और 1 राज्यसभा की बात थी, राज्यसभा से चर्चा ये थी कि उन अपनी माँ को वो राज्यसभा देना चाहते थे, तो 5 सीट पर ये हो गया इनको। ये जो अभी चर्चा है, ये फाइनल में नहीं कह सकता, मगर ये चर्चा, और पशुपति पारस ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोल दिया, पशुपति पारस ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोला कि पता नहीं कब जहां जाएंगे, क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सारी बातें। देखिए चिराग पासवान 6% के मालिक हैं, 6% उनके पिताजी की दौलत है जो उन्होंने कमाई है, उसके वो मालिक है, तो उस 6% वोट को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। मगर हाँ, अगर वो चाहते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री मैं बनूं, तो उनको भी अलायंस करना पड़ेगा, और बहुत दिल से अलायंस करना पड़ेगा, चाहे बीजेपी से करें या आरजेडी से करें। मुझे नहीं लगता कि, देखिए आरजेडी उनको पसंद करेगी, क्योंकि पर्सनालिटी वॉर है, कन्हैया कुमार एक तरफ है, एक तरफ तेजस्वी यादव है, एक तरफ चिराग पासवान है, तो ये नौजवानों का अपना एक अलग अपनी ख्वाहिश है कि मैं नहीं यहाँ की नहीं बागडोर संभालू। सही और कह रहे हैं, ये अब एक नौजवानों का फेज बिहार में शुरू हो रहा है। एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। लेकिन मैं वापस नीतीश कुमार के सवाल पर आती हूँ कि क्या नीतीश कुमार को जब ये तस्वीरें, ये जनसैलाब, और मैं एक बार फिर से दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, अभिषेक अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो अगर उन तस्वीरों को एक बार आप फिर प्ले करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि ऑडियंस देख सके कि आखिर हम आज ये बात तेजस्वी यादव के लिए क्यों कह रहे हैं। तो अगर आप उन विजुअल्स को प्लीज प्ले करें। अभिषेक आप सुन रहे हैं मुझे? अभिषेक आप मुझे सुन सकते हैं? अभिषेक कैन यू प्ले द विजुअल्स? ओके अभिषेक, अगर आप पिक्चर्स को प्ले कर सके, वह फिर से मेरी गुजारिश है, तो आप वो पिक्चर्स को प्ले करें जिसमें कि तेजस्वी यादव का जो पूरा जन सैलाब है वो दिख रहा है। लेकिन बात नीतीश कुमार की है कि क्या नीतीश कुमार को इस जनसैलाब की तस्वीरें देखकर क्या एक डर का एहसास नहीं होगा दीपक जी? देखिए नीतीश कुमार भी अपने चाल से चलते हैं। देखिए इसमें एक और एक मामला हो गया ना, कि नीतीश कुमार ने कहा कि सारी फाइल खुलवा दी गई है और इसकी जांच होगी, नीतीश कुमार ने भी कहा और उनके पार्टी के लोग भी कहा और सम्राट चौधरी ने भी कहा, तो इससे पब्लिक में ये गया कि इनको बार बार तंग किया जाता है। एक तो एक तलवार लटकी हुई है, देखिए एक तलवार ईडी वाली लटकी हुई है तेजस्वी यादव पर, ऐसा नहीं है कि उनके फैमिली से वो वंचित हो गए, बरी हो गए। अब आगे इस पर इनके जनसैलाब को देखकर और कुछ होकर, हो सकता है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि केंद्र सरकार कराएगी, ईडी फिर इनके पास आ जाए, या बिहार सरकार कुछ ऐसी फाइल निकाल के दिखा दे कि भाई इनके साथ ये काम हुआ, मगर एक चीज में तेजस्वी यादव आगे हो गए हैं। आज का नौजवान, मैं भी
लोग से पूछता हूँ तो बोलते हैं वो तो 17 महीने में हुआ, तेजस्वी ने 10 लाख कहा था जिसकी वो नहीं दे पाए इसीलिए कि मुख्यमंत्री नहीं हुए, 5 लाख तो दिए ना भाई। तो इस टाइप की बातें होती हैं। ये जो है मुद्दा बन गया है नौकरी का, नौजवानों का जो मुद्दा है, यही मुद्दा है अवर बिहार के चुनाव का, और तीसरा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ठीक है बीजेपी के लिए राम मंदिर होगा, बीजेपी के लिए डेवलपमेंट की बात होगी, वो अलग चीज है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो नेचुरली नीतीश कुमार और एनडीए थोड़ा परेशान दिखेगी। और चुनाव में क्या होगा ये तो आम जनता बताएगी, आम जनता का वोट है। मगर आज के चुनाव में जो पॉलिटिकल कमेंटेटर लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये बहुत जबरदस्त, और शिवहर में जहां से चेतन आनंद एमपी का चुनाव लड़ना चाहते थे, जहां से उनकी माँ लवली आनंद हार गई थी, वहां जबरदस्त भीड़ जुटा कर उन्होंने ये कह दिया कि अब चेतन आनंद मेरा छोटा भाई क्या किया आप लोग देखिए। तो जनता ने हाथ उठा के कहा कि अब नहीं। तो इस तरह से ये निकलेंगे और बिहार में अब चुनाव की शुरुआत उन्होंने कर दी है अपने तरफ से। देखिए अभी तक लोग कहते हैं जैसे महागठबंधन, इंडिया तो खत्म हो गया, इंडिया में तो अब आप नहीं बोलना उचित नहीं, इंडिया उत्तर प्रदेश में भी खत्म, हर एक जगह इंडिया ये हो गया। महागठबंधन में अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये लोग साथ लोग आलोचना के शिकार हो रहे हैं कि आप लोग एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है राहुल गांधी आ रहे हैं, मगर आप ये देखिए कि बीजेपी लगातार अकेले चुनाव प्रचार कर रही है, कहाँ उनके साथ मांझी बैठ रहे हैं, कहाँ उनके साथ चिराग पासवान बिहार में बैठ रहे हैं, कहाँ उनके साथ आरएलडी के जयंत चौधरी बैठ रहे हैं, सारा प्रोग्राम वो तो अपने कर रहे हैं। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि अब आने वाले दिनों में तेजस्वी अगर कुछ जटिल समस्याओं में न पड़े और अगर वो सही इस तरह से काम करे तो बिहार में नौजवानों की फौज बन सकती है। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर की रैली की है जहां पर जन विश्वास यात्रा के ये विजुअल्स हैं भारी जन सैलाब के बीच में। अब ये आखिरी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ दीपक जी, कि क्या ये बहुत बुरी तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को डैमेज करने वाला है? ये जो जन विश्वास यात्रा खत्म होगी 1 मार्च को और बहुत करीब हम आ जाएंगे जब चुनावी बिगुल बजेगा, चुनाव की तारीखों की घोषणा भी पास बहुत आ जाएगी तब तक, तो क्या जो एक आधार जो एक बनाना है बिहार के चुनाव के लिए, क्या वो तब तक तेजस्वी यादव बना पाएंगे जिससे कि बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों डैमेज होंगे? देखिए ये बहुत अर्ली स्टेज का मामला है, ठीक है ये भीड़ बहुत उत्साही है, और मैं एक बात जरूर बता रहा हूँ कि बिहार में बीजेपी ने भी अपनी जगह बनाई है जेडीयू से ऊपर, बीजेपी ही जेडीयू से ऊपर अपनी जगह बनाई है। मगर मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर अगला चुनाव नौजवान लड़ेगा, नौजवान जो उनको नौकरी की जरूरत है, वो जो नौकरी के पीछे आएगा और जिसके मन में ये बैठेगा कि ये नौकरी है, ये मैच वही खेला जाएगा। और दूसरा मुद्दा है जो पार्टी कैडर का वोट है वो तो अलग है, वो बीजेपी राम मंदिर को ले, बीजेपी और भी कारणों को ले, बीजेपी जो जो काम कर रही है उसको लेके ले सकती है, मगर ये अकेले बहुत ही आगे तक जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सब सीट जीत लेगा, मगर मैं जरूर कहता हूँ कि पहले से बेहतर स्थिति में लाएगा जिससे डरेगी बीजेपी। बिल्कुल, तो चलिए अब देखना होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा पर तो निकल गए हैं, लेकिन मोदी जी और साथ में नीतीश कुमार के पसीने जरूर छूट जाएंगे। और वाकई में जब नीतीश कुमार के बारे में वो उनकी कलाई खोलेंगे, उनके इंटेंशंस को बताएंगे, और खासकर वो जिसको कि र्यूमर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो विधानसभा को भंग कर दे, तो ये सारी चीजें जब इतना बड़ा जन सैलाब लोगों का इन बातों को सुनेगा, वो भी तेजस्वी यादव के मुंह से, तो वाकई में ये चीजें लोगों के मन में घर करेंगी और ये नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर निकल सकता है। तो तेजस्वी यादव ने चुनावी बिगुल बजा दिया है और एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी लाइन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सामने
खींच कर रख दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ लॉन्चर पर। थैंक यू, थैंक यू।